भैया जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कोरोना के हालात चल रहे हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी तो ओपन हो गई है और आज सैटरडे है और फिर भी लैब की वजह से हमें जाना पड़ रहा है। 2 घंटे की लैब के लिए पूरा दिन गर्मी में, शदीद गर्मी में निकलने के लिए जा रहे हैं। हाय, ये छोटी गाड़ियों में मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी है ये। पहले 2-4 दिन तो काफी ज्यादा गर्मी रही है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मारवे शेप तो आ गए। सेक्टर्स में से एक सेक्टर है ये, और इससे आगे हम पार्किंग पहुंच गए हैं। ये लगाई से रहा इसको। ये बंदा मेरी मुझे बातें सुना रहा है, फाइबर से घुमा घुमा के डॉलर कमाता है दिन रात। घुमा घुमा के बाइक जिस तरह का देख सकते हैं, 21 मॉडल लिया है फाइबर से, 21 मॉडल लिया है फाइबर से घुमा के, आप भी कमाए और इस तरह के न्यू बाइक। ये इनका चैनल सब्सक्राइब करें फाइबर की ट्रिक्स जानने के लिए। ये बाइक ने किस वजह से लिया है, कभी चला भी नहीं जा रहा सही से। नहीं नहीं भाई, शरियार भाई का बाइक पूरे पिंडी इस्लामाबाद में आपको ऐसा बाइक नहीं मिलेगा। 100 रुपए का पेट्रोल पूरा महीना निकालता है ये। ये हमारी ये यूनिवर्सिटी की बस है। आप टीचर बस होंगे करते? नहीं भाई, टू बी ये हमारा डिपार्टमेंट है जी। ये हमारे भाई रोजाना क्लीन शेव करके आ जाते हैं, पता नहीं किन चक्रों में। क्या आप क्या चाहते हैं? इश्क करोगे जी। ये हर तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी ना किसी तरह कोई ना कोई आ जाए। आनी चाहिए ना। ओ साजी लैब है, लैब भी ना खवार किया हुआ है ना, ना तो छुट्टी। अभी क्विज हो रहा है ऊपर। अभी एक और फ्लोर ऊपर जाना पड़ेगा, 4th फ्लोर पे हमारी लैब है। ओह प्रोफेशनल वॉशरूम है हमारे, जिसमें पानी नहीं है। यासीना जी फुल सीन ऑन करके वापस लिफ्ट के जरिए ऊपर। जब बंदा सीन पे हो ना, उसके बाद लिफ्ट में ही आता है, फिर चला नहीं जाता फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। क्विज दे दिया, अब गर्मी काफ़ी है। अभी आई थिंक 41 डिग्री तक तो पहुंच गया टेम्परेचर, तो सीन्स यही है। क्रीम नहीं है ये, फेस वॉश है, ठीक है। पसीना बहुत है ना, तो लाजमी है।
बाकी ये कि थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ अब, काफ़ी गर्मी है तो फेस वॉश लाजमी है। अगर आप सन ब्लॉक वगैरह यूज़ नहीं कर रहे तो फेस वॉश, सन ब्लॉक डिफरेंट चीज़ है लेकिन ये कि फेस वॉश के लिए ठीक होता है, आप पसीना वगैरह साफ हो जाता है, फ्रेश लगते हैं आप। ठीक है, सीन्स को पहनते हैं उसके बाद फिर चलते हैं। फिट हो गया सीन तो चलते हैं, बाय। बाय। तो बहुत सख्त गर्मी है यार, जाने का दिल, अब जाना तो है, जाना तो है ना। डिपार्टमेंट के सामने आ गया हूँ, यहाँ पे थोड़ी ठंडी हवा है तो सोचा यहाँ पे इंजॉय किया जाए थोड़ा सा, आपको यूनिवर्सिटी भी दिखाई जाए। मौसम ठीक होता था मैं आपकी पूरी यूनिवर्सिटी की सैर करवाता हूँ लाजमी, लेकिन गर्मी बहुत सख्त है तो एक जगह पे बैठ के हमें इस व्लॉग को जारी रखना पड़ेगा। जैसे आपको सीन्स दिखाता हूँ जो यहाँ से पॉसिबल है, ये इस साइड आगे, ये सामने लाइब्रेरी की बिल्डिंग है और साथ में ही ऑडिटोरियम भी है और ये पीछे हमारा डिपार्टमेंट। तो ये मैं काफ़ी सारी खुआरी काटने के बाद, तमाम लैब्स चेक करने के बाद अब बाकी मैं धूप में बैठने लगा हूँ, क्योंकि एक लैब ही वाइज जगह है हमारी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे एसी चल रहा होता है और वो लैब्स भी सब बंद है और सारे प्लान्स कैंसिल हो गए। आज पढ़ने का मूड था तो वो भी अब नहीं पढ़ सकता क्योंकि गर्मी है, तो इससे बेहतर कि घर चला जाए बंदा। अभी दो पीछे लड़का आ गया था, वैसे गोरा था जैसे सोच रहा होगा पानी में पागल है, अपने साथ बातें कर रहा है। अब तो काफ़ी आवाम जज कर रही है, देख रही है पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का, तो निकलना चाहिए यहाँ से इससे पहले कि कोई मेंटल हॉस्पिटल में पहुँचा दें। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है ये हमारा जी, ये आ गया ऑसम जिसमें बीबीए आ गया, बीबीए के सारे स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट में और वो हमारा प्यारा सा डिपार्टमेंट, उसको हम अपना दिखाते हैं। हाँ जी, मेडिकल सेंटर, मेडिकल सेंटर नहीं बल्कि फर्स्ट एड, छोटा सा छोटा मिनी हॉस्पिटल जिसको कह सकते हैं, सिक रूम, सिक रूम ज़्यादा बेस्ट रहेगा, सिक रूम। तो ये सिक रूम है, ये हमारी आगे बाइक पार्किंग, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की पुरानी मस्जिद होती थी और ये है तो बास्केटबॉल कोर्ट लेकिन पार्किंग में तब्दील हो चुका है बाइक पार्किंग। बिल्कुल बाइक पार्किंग के पीछे ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है और ये फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो थोड़ा मोहतात हो बनानी पड़ती है ये सब, ऐसे घूर रहे हैं कि जैसे मुझे तो लग रहा है मेरा आज आखिरी दिन है। हर तरफ से खुआरी काट के वापस अपने डिपार्टमेंट जा रहे हैं, दोस्तों से मिलना है उसके बाद घर की तरफ निकलना है क्योंकि कोई रूम खाली नहीं है, पढ़ने वाला सीन नहीं है और गर्मी बहुत है, शुगर पानी ठंडा हो गया तो निज़ाम चल जाएगा। ये हमारे भाई
क्विज, पहले क्विज की इन्होंने गोली करवाई है। यहाँ पे आके तो अब तन्हाई में पता नहीं क्या कर रहे। तन्हाई में क्या कर रहे थे आप? तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में मैं घर से निकला। बड़ी मुश्किल से ठंडा पानी ढूंढ के लाया हूँ। छोड़ सेल्फी को यार, व्लॉग में आ जा मेरे। थोड़ा छोड़ी यार, बड़ी मुश्किल से ढूंढ यार। बहुत काले आ रहे हैं, इतने तो हम थे नहीं यार। यार काले भी ठीक है, तू तो बड़ा चिट्टा लग रहा है। काला काहे उस्ताद जी सोने हो गए हो तुसी? मैं दाढ़ी आ गई है। उधर गया हूँ ना मैं बीबी वाली साइड पे, ऐसे देख रहे थे सारे जैसे पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, पागल हूँ। मैं सोचा ये ना हो कहीं मेंटल हॉस्पिटल में सीक्रेट चैट। ओए ओए ये हमारी क्लास के सबसे बड़े छोड़ू हैं ये। छोड़ू छोड़ू इधर मुड़े। अब हमारा पैकअप टाइम हो गया। टाइम कितना हो रहा है? 3:10 हो गए हैं और बस क्लास एंड हो गई थी। क्लास तो कब की एंड? क्लास तो कब की एंड हो गई थी? हमारे कुछ मामला थे, हमारे दूसरी क्लास भी होती है एग्जाम, तो वो जो डिग्री के साथ हमें एक्स्ट्रा एक क्लास भी लेनी पड़ती है, तो हमने वो ली अभी। और ये हमारा डिपार्टमेंट है अभी। हमने वापस घर जाने का सोचा है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बंद आज हफ्ता है, तो एक ही लैब थी उसके लिए हम आए थे। मैं सोच रहा था कुछ पढ़ाई भी हो जाएगी, लेकिन वो सीन जब हम सोचते ना पढ़ाई का तब यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं देती हमें। अच्छा यूनिवर्सिटी कहती है तब हमारा मूड नहीं होता। तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। टाइम ऑलमोस्ट 3 हैं। हम इस्लामाबाद महंगे 3 सेक्टर फेट के गरीब होटल लड़ाने भी चाहिए। मेरी यूनिवर्सिटी का जो फेवरेट होटल है एफेट में नूरानी। पहले मैं इसी तरह हेलमेट छोड़ के चला जाता था, लेकिन जिस दिन से हाथ लगा है ना मुझे, मतलब हो गया ना वाला। जिस दिन से मेरा हेलमेट चोरी हुआ उसके बाद सही लॉक शॉक करके जाता हूँ। तो यहाँ पे हेलमेट ले जाते हैं ये, पता नहीं क्या मिलता है इनको दोस्तों के हेलमेट से। मार भाई को यहाँ से गाड़ी में बिठाना है और उसके बाद घर जाना है। आए हाय बहुत थक गए हैं यार, जा के नींद करनी है। ये डाउन करो उधर से गाड़ी आ रही है। शुक्रिया यार, बहुत बहुत। कोई मसला नहीं, थोड़ा ज्यादा क्रीमे शीमे लगा गया ये मंडे को, ठीक है ठीक है सही। अभी चलते हैं घर। पूरा दिन फारी करने के बाद फिर घर पहुंच गया। बहुत गर्मी थी, आके लेट गया, पंखा लगाया, थोड़ी देर रेस्ट, फिर चेंज करूँगा और उसके बाद 2 की नैप होगी। फिर नैप लेने के बाद फिर पार्ट टाइम अपन टीचर भी है, आपको भी टीचिंग। नैप लेने के बाद 2 आते हैं मेरे पास, उनको पढ़ाना भी है। और ये मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आगे अच्छा कंटेंट लगाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो करें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें। कोई नहीं, पैसे नहीं लगते खैर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।